प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों का नव सत्र में स्वागत है। मैं डॉक्टर गैब्रियल खान, सहाचार्य राजकीय महाविद्यालय अजमेर, राजनीति विज्ञान विभाग। आज का विषय जो हम लेंगे वो सेकंड पेपर का फर्स्ट टॉपिक मनु। सेकंड पेपर आपका है प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक, उसका पहला टॉपिक है मनु। मनु में हम मनु की सामाजिक व्यवस्था पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन सामाजिक व्यवस्था को करने से पहले ये जानना आवश्यक है कि मनु कौन थे और मनु ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो सबसे पहले मनु कौन थे। ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जल प्लावन की एक घटना हुई थी जिसमें केवल मनु ही शेष बचे थे और यही भावी सभ्यता के सूत्रधार बने। यही थे मनु जिन्होंने भावी सभ्यता को आगे बढ़ाया। यही मनु थे जो भावी सभ्यता के सूत्रधार बने। तो ये तो थे मनु के बारे में। मनु कौन थे। शतपथ ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक जलप्लावन की घटना हुई थी। उस घटना में मनुष्य में केवल एक ही व्यक्ति शेष बचा था, वो था मनु, और ये ही भावी सभ्यता के सूत्रधार बने। अब आते हैं हम मनुस्मृति पर। मनुस्मृति क्या है। मनुस्मृति मनु के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। लेकिन मनुस्मृति केवल राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ नहीं है, ये सामाजिक प्रकृति का ग्रंथ भी है, क्योंकि इसमें सामाजिक व्यवस्था के सभी पक्षों का चित्रण किया गया है, सभी पक्षों को सम्मिलित किया गया है राजनीतिक व्यवस्था के। तो ये कहा जाता है कि मनु केवल राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ नहीं है, ये सामाजिक प्रकृति का ग्रंथ भी है, सामाजिक प्रकृति का ग्रंथ भी है। इसके रचना के विषय काल में विद्वान एक मत नहीं है। कुछ विद्वान अलग अलग विद्वान अलग अलग इसकी रचना का समय बताते हैं। जैसे इसके रचना काल के विषय में डॉक्टर विनय कुमार सरकार मनुस्मृति को, डॉक्टर विनय कुमार सरकार मनुस्मृति को आपको बताते हैं 150 ईसा पूर्व का ग्रंथ बताते हैं। डॉक्टर विनय कुमार सरकार ने क्या कहा कि ये मनुस्मृति ईसा से 150 वर्ष पूर्व भी अपने अस्तित्व में थी। इसी प्रकार डॉक्टर सोलेटोर मनुस्मृति को 1900 से 1800 ईसा पूर्व का ग्रंथ बताते हैं। 1900 से 1800 ईसा पूर्व का ग्रंथ। इसी प्रकार मैक्स मूलर एक विद्वान हुए, मैक्स मूलर, इसे ईसा के पश्चात 4वीं शताब्दी का ग्रंथ बताते हैं। ईसा के पश्चात ये ग्रंथ 4वीं शताब्दी में अपने अस्तित्व में था, मतलब मनुस्मृति 4वीं शताब्दी में अपने अस्तित्व में थी। ये किसने कहा है, डॉक्टर मैक्स मूलर ने। इसी प्रकार उनके निकटतम शिष्य एवं उनके ग्रंथ के संपादक एवं अनुवादक, निकटतम शिष्य, संपादक और अनुवादक कौन थे, अनुवादक जॉर्ज बुलर, संपादक और अनुवादक जॉर्ज बुलर का मानना है कि यह मनुस्मृति ईसा के पश्चात 2वीं शताब्दी में अपने अस्तित्व में मौजूद था। इसका मतलब, क्योंकि ये मनुस्मृति के बारे में है और मनुस्मृति में जो मनु के निकटतम शिष्य उनके ग्रंथ के अनुवादक और संपादक हैं, उनके ग्रंथ के अनुवादक और संपादक हैं जिनका नाम है जॉर्ज बुलर, वो ये कहते हैं कि ये ईसा के बाद 2वीं शताब्दी में अपने अस्तित्व था। इसका मतलब ये 2वीं शताब्दी में अपने अस्तित्व था। और इसको क्लेरिफाई या इसका समर्थन किया डॉक्टर बेनी प्रसाद ने। डॉक्टर बेनी प्रसाद कहते हैं कि ये सच में अपने अस्तित्व में था ईसा के 2वीं शताब्दी के बाद, क्योंकि उनके अनुवादक और संपादक ने बात कही। अब हम आते हैं राज्य की सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जो समाज से संबंधित होती है। अब समाज में जो जो कार्य किए जाते हैं वो सब सामाजिक व्यवस्था में आते हैं। जैसे सामाजिक व्यवस्था, या पहले अपन ये देखें कि मनु का जो मनुस्मृति है, जो इसका ग्रंथ है, वो 12 अध्याय में विभाजित है। टोटल 12 अध्याय हैं जिसमें पूरे मनुस्मृति को विभाजित कर दिया गया है। प्रथम अध्याय में पहला जो अध्याय है वो किससे रिलेटेड है, पहला अध्याय किससे संबंधित है, पहला अध्याय संसार
एवं विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति, संसार एवं विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति, मतलब संसार कैसे हुआ और विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। द्वितीय अध्याय में संस्कार विधि व ब्रह्मचर्य, संस्कार विधि व ब्रह्मचर्य, गुरु के प्रति अभिवादन, गुरु के प्रति अभिवादन, ये था द्वितीय अध्याय। तृतीय अध्याय में ब्रह्मचर्य की समाप्ति, मतलब मनु ने आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य आश्रम बताया, उसकी समाप्ति। चौथे अध्याय में गृहस्थ आश्रम, ये दूसरा आश्रम व्यवस्था का दूसरा चरण, गृहस्थ आश्रम, चौथे अध्याय में गृहस्थ आश्रम। पाँचवें अध्याय में रुद्र शुद्ध रहन सहन, पाँचवें अध्याय में क्या है, शुद्ध रहन सहन। छठे अध्याय में वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम, छठे अध्याय में वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम। सातवें अध्याय में मुकदमों के निर्णय व कर ग्रहण, मुकदमों के निर्णय व कर ग्रहण। आठवें अध्याय में न्यायालयों में साक्ष्य की प्रक्रिया, आठवें अध्याय में क्या लिया, न्यायालयों में साक्ष्य की प्रक्रिया। नवें अध्याय में संपत्ति का विभाजन एवं अपराधों का निवारण, संपत्ति का विभाजन एवं अपराधों का निवारण। दसवें अध्याय में आपत्ति काल में मनुष्यों के कर्तव्य, आपत्ति काल की स्थिति में मनुष्य के कर्म कर्तव्य रहेंगे, ये दसवें अध्याय में बताया गया। ग्यारहवें अध्याय में पापों की निवृत्ति की विधि, मतलब पापों को किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है, पापों की निवृत्ति की विधि। और बारहवें अध्याय में मानवीय गुण दोष और नैतिक मूल्य, मानवीय गुण दोष, मानव के क्या गुण दोष होने चाहिए और उसके क्या नैतिक मूल्य होने चाहिए। इससे यह स्पष्ट है कि मनुस्मृति में मानव के सभी सामाजिक पक्षों का चित्रण किया गया, सभी सामाजिक पक्षों को लिया गया है। अब ये देखा जाता है कि मनुस्मृति में जो सिद्धांत लिए गए हैं, मनुस्मृति में जो सिद्धांत लिए गए हैं वो मुख्यतः इस प्रकार हैं। पहला, राज्य की उत्पत्ति। अब राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य की उत्पत्ति का मनु ने दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है, राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, क्योंकि मनु मानता था कि बलवानों के डर से प्रजा में व्याप्त असुरक्षा के कारण ईश्वर ने राजा अथवा राज्य की सृष्टि की। किसके डर से, बलवानों के डर से ईश्वर ने राजा अथवा राज्य की सृष्टि की, मतलब कि यह दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत हो गया, दैवीय सिद्धांत हो गया कि ईश्वर द्वारा राज्य अथवा राज्य की उत्पत्ति, राजा अथवा राज्य की उत्पत्ति। दूसरा जो आता है वो आता है संप्रभुता का आधार। संप्रभुता का आधार क्या है, धर्म एवं दंड, धर्म एवं दंड। धर्म के अनुसार व्यक्ति को क्या कार्य करने चाहिए और अगर यदि वो गलत कार्य करता है तो उसे किस प्रकार से दंडित किया जाना चाहिए, किस प्रकार का दंड दिया जाना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट आता है इसमें, तीसरा जो सिद्धांत आता है इसमें, वो आता है राज्य के सप्तांग सिद्धांत। यह हम इसकी चर्चा हम एक एक की नेक्स्ट सेशन में ब्रीफ में नेक्स्ट सेशन में विस्तार से करेंगे, लेकिन अभी अपन सिर्फ पॉइंट्स देख रहे हैं कि कौन कौन से सिद्धांत मनुस्मृति में लिए गए हैं। तीसरा आता है राज्य का सप्तांग सिद्धांत। राज्य का सप्तांग सिद्धांत, जिस प्रकार मनुष्य के अंग होते हैं उसी प्रकार राज्य के भी सात अंग होते हैं। मनु ने बताया कि राज्य के भी सात अंग होते हैं, वो कौन कौन से हैं, राजा, मंत्री, पुर, जनपद, कोष, दंड। कोष दंड, दंड का मतलब सेना है, यहाँ से दंड का मतलब दंडित किया जाना नहीं है, सेना है, दंड एवं मित्र। ये सात अंग राज्य के हैं, जिस प्रकार मनुष्य के अंग हैं उसी प्रकार राज्य के भी अंग हैं। उसके बाद चौथा आता सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में किस प्रकार से समाज में क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं वो सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद आता है राज्य का कार्य क्षेत्र। राज्य का कार्य क्षेत्र क्या होगा, राज्य का कार्य क्षेत्र हो गया प्रजा रक्षण एवं प्रजा रंजन, मतलब प्रजा की रक्षा करना और प्रजा के दुखों को हटाना या दूर करना, प्रजा रक्षण एवं प्रजा रंजन। और तीसरा जो राज्य कार्य है वो अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। यदि अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण नहीं होगा तो राज्य अपने कार्यों को पूरी तरह से पूर्ण नहीं कर पाएगा। अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है, प्रजा रक्षण, प्रजा रंजन, अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। नेक्स्ट जो आता है वो आता है न्याय दंड व्यवस्था एवं न्यायपालिका। न्याय दंड व्यवस्था एवं न्यायपालिका, इसके बारे में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से न्याय
धन व्यवस्था एवं न्यायपालिका के कार्य होने चाहिए। उसके बाद आता है युद्ध एवं युद्ध के प्रति दृष्टिकोण। युद्ध एवं युद्ध के प्रति दृष्टिकोण, युद्ध क्या है और युद्ध के प्रति जीतने वाले राजा के और हारने वाले राजा के क्या दृष्टिकोण रहेंगे, ये मनु ने बताया। और उसके बाद आता है पर राष्ट्र नीति, दूसरे राज्यों के साथ अपनी किस प्रकार की नीति होगी, किस प्रकार की अपनी व्यवस्था होगी, ये पर राष्ट्र नीति में लिया गया। और लास्ट आता है कर व्यवस्था। कर व्यवस्था में राजा द्वारा करों का, कर किस प्रकार ग्रहण करने चाहिए, क्या क्या कर ग्रहण करने चाहिए, किस किस पे कर ग्रहण करनी चाहिए, ये सब बताया गया है। अब हम अपने विषय सामाजिक व्यवस्था पर आते हैं। सामाजिक व्यवस्था 6 अध्यायों में विभाजित है। सामाजिक व्यवस्था 6 अध्यायों में विभाजित है। यहाँ तक तो अपन ने देखा मनु क्या था, मनुस्मृति क्या थे, मनुस्मृति में या सामाजिक व्यवस्था में लिए गए 6 सिद्धांत क्या क्या हैं। अब हम आते हैं सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या लिया गया है। सामाजिक व्यवस्था 6 अध्याय में विभाजित है, पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था। 6 अध्याय कौन कौन से हैं, 6 अध्याय, पहला है नैतिक आधार, किस प्रकार से नैतिकता का पालन करना चाहिए, ये मनुस्मृति में बताया गया है। दूसरी है वर्ण व्यवस्था, मनु ने वर्ण व्यवस्था में 4 प्रकार के वर्ण बताए हैं। 4 प्रकार के वर्ण हैं, कौन कौन से वर्ण हैं।